अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सलमान गिलानी साहब को जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और बरतानिया के सफर में मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनके साथ हूँ और इनकी जो है हकीमाना बातों से। आप तो सिर्फ ये जानते हैं ना कि ये मजाया शायर है, लेकिन इनके साथ कुछ वक्त गुजारे तो पता लगता है कि ये कितने संजीदा शख्स हैं। और शायद आपके इल्म में हो कि इनकी संजीदा नसरी कुतुब जो हैं वो भी है मार्केट में मौजूद, जिसमें इन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारे तजुर्बात शेयर किए हैं। तो वो जो मजाया शायरी है वो तो आपने सुनी है, मगर ये जितनी संजीदगी से अदबी मामलात में, दीनी मामलात में और बाकी जो समाजी मामलात हैं उस पर जो नज़र रखते हैं, तो वो उनके साथ रहकर ही पता चलता है। कैसे मिला जी सर? अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी हुई आपसे। पहले भी मुलाकातें होती रही हैं कॉलेज में जी, मेडिकल कॉलेज में बागलपुर में आपकी सरपस्ती में मुशायरे होते थे, लेकिन इस तरह मुतवातर हमें अब हफ्ता शरा रहे का जो मौका मिल रहा है जी, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी खुशकिस्मती है मेरी। आपकी गाने सुनाना बातें तो सुनते रहते हैं और मुतासर भी होते रहते हैं, कभी कभी कोई कमेंट कर भी दिया करते हैं, नाकारा लोग हैं हम। अरे नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन आपके साथ जो गुजर रहा है गुज़श्ता रात से, वो मेरे लिए सरमाया हयात है। गिलानी साहब, ये जो आपकी शायरी है मज़ाहिया जी, क्योंकि ज़ाहिर है आपके जो दूसरे अदबी जहते हैं वो तो अभी लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की जी, तो आपका क्या तासुर है? पूरी दुनिया में आप जाते हैं कि इसकी ज़रूरत, इसकी अहमियत? हाँ जी, मैं भी इसीलिए आया क्योंकि मैं बड़े संजीदगी से नाते कह रहा था, गज़लें कह रहा था, तो एकदम जो ये चेंज आई है ये कोई 20-25 साल से मैंने महसूस किया कि लोग हंसना चाहते हैं बहुत। वो ये बम धमाके और जो हमारे रोज के जो मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, बुरे हालात हैं, हर वक्त यही खिंच खिंच घर में, और तो तब भी लोड शेडिंग के मसाइल हैं, कभी महंगाई के मसाले हैं और कत्ल वारत करी, और ये जो आलमी हालात बन गए हमारे दहशतगर्दी, इससे बच्चों पर बहुत बड़ा बुरा असर, बड़ा बुरा असर पड़ रहा था, उनकी नफ्सियात तबाह हो रही थी, साइकोलॉजी के क्या कहते हैं साइकी बन गए जी बच्चे। और मैंने कहा कि नहीं, मैं अपना पैगाम तो मैं जारी रखूंगा, लेकिन मैं उसका रास्ता थोड़ा सा जाना वो मैं बदलना चाहता हूँ। तो इसलिए जो मैं 2005-06 में बाकायदा बड़ी संजीदगी से मजाक करता हूँ जी। बिल्कुल सही है वो, बिल्कुल। और मैंने देखा है अभी सफर के दौरान कि जब भी किसी नाजुक हम बात करते हैं कोई मुल्की लेवल की, या नबी पाक का नाम आता है, तो गिलानी साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बहुत ही इनका गुदाज दिल है, और मुझे बहुत ही मैं खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि मैं गिलानी साहब के साथ इस सफर में हूँ। तो इंशाल्लाह मैं और भी बहुत सी इनकी जो पर्सनैलिटी की तहें हैं ना, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और थोड़ा सा मैं आप बता दूँ कि मेरे साथ जो हमारे बहुत प्यारे दोस्त नुमान शाह हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के नात खान हैं, और हमारे मोहतरम दोस्त शुएब तावानी साहब, जो कि हमारे होस्ट भी हैं और हमारे इस कारवां में हमारे साथी भी हैं। बहुत शुक्रिया।